हेलो फ्रेंड्स, संगीताज वर्ल्ड यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम बनाएंगे लहसुन की सब्जी, ढाबा स्टाइल बनाएंगे पूरे लहसुन की सब्जी। बिना कट किए हुए हम बनाएंगे ये लहसुन की सब्जी। तो लहसुन की सब्जी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिया है सूखा लहसुन लिया है। तो ये लहसुन को कट नहीं करना है, उसकी कलियाँ नहीं निकालना है, पूरा लहसुन की सब्जी बनाने वाले हैं। तो ये लहसुन के ऊपर हम एक ऊपर का जो लेयर है सूखा वही निकाल देना है। नहीं निकालेंगे तो भी ये इजी से निकल जाता है, लेकिन हम ऊपर से एक एक लेयर ये लहसुन का निकाल देंगे। उसके बाद हम ये लहसुन को हम स्टीम करना है, तो स्टीम करेंगे तो ये इजी से ये खाने के टाइम में छिलके है वो निकल जाएंगे। तो ये लहसुन की आँखें वाली लहसुन की सब्जी मैं फर्स्ट यूट्यूब में अपलोड कर रही हूँ। YouTube में उसका वीडियो नहीं है, फर्स्ट टाइम मैंने ये अपलोड किया है। तो ये सब्जी की रेसिपी बहुत बढ़िया बनी है, आप इस तरह से एक बार जरूर ट्राई करना। तो देखिए, मैंने इस तरह से लहसुन के ऊपर मैंने सूखा लेयर मैंने इस तरह से मैंने निकाल दिया है। तो ये पानी में मैंने लहसुन को रख दिया है, उसको धोने के बाद हम उसको स्टीम करेंगे। तो ये सब्जी है वो बारिश की मौसम हो या ठंडी की मौसम हो, दोनों सीजन में ये सब्जी बनाई जाती है। गर्मी में ये सब्जी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है खाने में, ठंडी की या बारिश की मौसम में ये सब्जी को जरूर बना के जरूर ट्राई करना। देखिए इस तरह से आप ज़्यादा निकालेंगे तो ये कलियाँ निकल जाएगी, तो वो हम यूज़ नहीं करेंगे, पूरा का पूरा नहीं निकालना है, नहीं तो ये लहसुन है वो अलग हो जाएंगे। ये जो गली खराब वाली है वो हम निकाल देंगे। तो मैंने लहसुन को अच्छे से मैंने धो लिया है। तो अब हम ये इडली का स्टीमर की ट्रे में मैं लहसुन को मैं रख देती हूँ, उसके ऊपर मैं थोड़ा स्प्रिंकल कर देती हूँ नमक एंड हल्दी में डालूंगी। तो ये लहसुन की कली का कलर भी येलो हो जाएगा, इसलिए मैं उसमें हल्दी डाल रही हूँ। हल्दी डाल के हम ये लहसुन को हम इडली का स्टीमर में उसमें एक गिलास पानी डाल के मैंने गर्म करने के लिए मैंने रख दिया था, तो वो भी गर्म हो गया है, पानी उबल आ गया है, तभी उसमें ये लहसुन की डिश रख देना है। उसके बाद हम ये स्टीम करेंगे, 2 से 3 मिनट के लिए स्टीम करेंगे, ज़्यादा उसको स्टीम नहीं करना है। 2 या 3 मिनट में ये इजी से स्टीम हो जाता है। तो हम गैस की फ्लेम हम बंद कर देते हैं, हमारा लहसुन वो स्टीम हो गया है। तो आपको बीच में चेक करना है तो चेक भी कर सकते हैं, उसके ऊपर से सिलके आराम से निकल जाएंगे और अंदर से जो कली है वो भी बॉयल हो जाएंगे। तो मैंने 2 से 3 मिनट के लिए मैंने ये लहसुन को मैंने स्टीम किया था, हाई फ्लेम पर मैंने स्टीम किया था। तो आप इस तरह से थोड़ा सा निकाल के, छील के निकाल के आप इस तरह से चेक कर सकते हैं, बिल्कुल ये लहसुन की कली है, बिल्कुल कच्ची नहीं है, स्टीम हो गया है। तो ये लहसुन के ऊपर छिलके अभी नहीं निकालना है, खाने के टाइम निकालना है। अभी हम पूरा छिलके के साथ हम सब्जी बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने गैस पर एक कढ़ाई रख दिया है, मैं उसमें डाल रही हूँ तेल डाल रही हूँ। तो ये सब्जी में मैं थोड़ा ज़्यादा ही तेल यूज़ कर रही हूँ, आप अपना हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। तो आधा कप जितना मैंने उसमें तेल यूज़ किया है, आपको शायद लगेगा कि उसमें बहुत ज़्यादा तेल डाला है, लेकिन ये सब्जी में थोड़ा ज़्यादा तेल डलता है। तो मैंने आधी स्पून जितना डाला है मस्टर्ड सीड, आधी स्पून जितना मैंने डाला है जीरा डाला है। उसके बाद हम डालेंगे उसमें हरी मिर्च डालेंगे, तो 2 से 3 मिर्ची को मैंने कट करके मैंने डाल दिया है। उसके बाद हम डालेंगे लहसुन डालेंगे, 1 टेबल स्पून जितना ये है लहसुन है क्रश किया हुआ, 1 टेबल स्पून ये है अदरक है, वो भी मैंने स्लाइस में कट कर लिया था। आधा कप हम डालेंगे प्याज डालेंगे, उसके बाद हम डालेंगे हींग डालेंगे। तो ये सारी चीज़ें को हम एकदम मीडियम फ्लेम पर हम प्याज को भूनेंगे। जब तक ये प्याज है वो गोल्डन ब्राउन ना हो जाए तब तक हम तेल के साथ ही प्याज को भूनेंगे। तो गैस की फ्लेम अभी मैंने हाई कर दिया है, हाई फ्लेम पर मैं ये भून रही हूँ प्याज को। तो देखिए ये प्याज है वो गोल्डन ब्राउन हो गया है, तो मैं उसमें डाल रही हूँ आधी छोटी स्पून जितने हल्दी पाउडर डाल रही हूँ प्याज का हिसाब का, क्योंकि हमने ये लहसुन में भी हमने हल्दी डाला है। तो 1 टेबल स्पून जितना मैं डाल रही हूँ रेड चिली पाउडर है, कश्मीरी रेड चिली पाउडर है, सब्जी का कलर भी बढ़िया आ जाएगा और सब्जी स्पाइसी भी नहीं बनेगी। तो रेड चिली पाउडर डाल के ये मीडियम फ्लेम पर ये तेल के साथ इस तरह से भून लीजिए, तो सब्जी का कलर बहुत अच्छा आएगा।
आधी मिनट के लिए मैंने ये लाल मिर्च को मैंने प्याज के साथ मैंने घून लिया है। देखिए कलर एकदम बढ़िया आ गया है। तो हम उसमें डालेंगे टोमेटो प्यूरी डालेंगे। तो 3 से 4 फ्रेश टमाटर को मैंने मिक्सर में मैंने प्यूरी बना लिया था। तो 2 कप ये है टोमेटो प्यूरी है वो मैंने डाल दिया है। उसके बाद हम उसमें डालेंगे नमक डालेंगे। तो नमक आप अपना हिसाब से ऐड कर सकते हैं। अच्छे से हम ये प्यूरी को मिक्स कर लेते हैं। अच्छे से मिक्स करने के बाद हम मीडियम फ्लेम पर हम ये प्यूरी को हम 5 मिनट के लिए ढक्कन बंद करके पकने के लिए रख देते हैं मीडियम फ्लेम पर। तो ये प्यूरी पक रही है तब तक हम उसमें डालेंगे ये खट्टा मीठा ये चवाणु है। तो मैं ये खट्टा मीठा चवाणु उसमें डालने वाली हूँ। तो ये जो खट्टा मीठा चवाणु मिले तो आप उसमें ज़रूर डालना। उसकी वजह से ये सब्जी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो मैंने यहाँ पे खट्टा मीठा चवाणु यूज़ किया है। आप उसकी जगह गाठिया का पाउडर भी डाल सकते हैं और चवाणु आता है तीखा वाला वो भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये खट्टा मीठा चवाणु की वजह से सब्जी का टेस्ट और दुगना हो जाता है। तो मैंने आधा कप ये चवाणु मैंने भर लिया है। तो ये आधा कप चवाणु को हम क्रश कर लेते हैं। ददरा जैसा ही क्रश कर लेना है। तो देखिए मैंने ये दरदरा जैसे चवाणु को मैंने क्रश कर लिया है। अंदर से मैंने ये सिंग के दाने हैं वो मैंने निकाल दिया था। तो मैंने आधा कप ये चवाणु को क्रश कर लिया है। वो चवाणु पाउडर है वो हम ये सब्जी में अभी डाल ही देते हैं। तो ये साइड हम ये ग्रेवी को भी हम चेक कर लेते हैं। तो ये टमाटर अच्छे से पक चुका है। 5 मिनट में ये मीडियम फ्लेम पर मैंने पकने के लिए रखा था। तो ये ग्रेवी अच्छे से पक चुकी है। तो उसमें हम डाल देंगे ये चवाणु का पाउडर डालेंगे। तो आधा कप मैंने डाला है चवाणु का पाउडर। आप उसकी जगह पापड़ी गाठिया बारीक से उसका पाउडर बना के भी डाल सकते हैं। लेकिन मैंने ये खट्टा मीठा चवाणु डाला है उसकी वजह से सब्जी का टेस्ट दुगना हो गया था। तो बहुत अच्छा टेस्ट आया था। तो आप जो ये मिल रहा है तो वो उसमें ज़रूर डालना। तो अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो ग्रेवी ये चवाणु पाउडर डालने के बाद ग्रेवी गाढ़ी हो जाती है। तो हम उसमें डालेंगे पानी डालेंगे बाद में हम पानी डालेंगे। तो पहले हम ये लहसुन को हम ग्रेवी में डाल देते हैं उसके बाद हम उसमें डालेंगे पानी। तो ये सब्जी है वो ग्रेवी वाली होती है। सूखी सब्जी ये खाने में अच्छी नहीं लगेगी क्योंकि ये सब्जी है वो बाजरी का रोटला के साथ ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी लगती है खाने में। तो आप ये ज्वार की रोटी के साथ मक्की की रोटी के साथ बाजरी का रोटला के साथ भाखरी के साथ भी आप ये सब्जी को खा सकते हैं। तो मैंने आधा कप जितना उसने डाला है पानी डाला है। पानी डाल के हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद मैं ये एकदम लो फ्लेम पर मैं ये सब्जी को 5 मिनट के लिए पकने के लिए रख रही हूँ। एकदम लो फ्लेम पर पकाना है। तो ये सब्जी को हम देख लेते हैं। तो ये हमारी सब्जी रेडी है। तो ये सब्जी की ग्रेवी भी गाढ़ी हो गई है क्योंकि ये चवाणु पाउडर है वो पानी है वो सारा खींच लेते हैं और सब्जी भी गाढ़ी होने लग जाती है। तो आप उसमें ज़्यादा ग्रेवी रखना है तो आप उसमें ज़्यादा पानी डाल सकते हैं। यहाँ पे हमारी सब्जियाँ पक चुकी है। तो गैस मैंने बंद कर दिया है। तो उसमें हम डालेंगे फ्रेश धनिया डालेंगे। उसके बाद में 1 टेबल स्पून जितना डाल रही हूँ धनिया जीरा पाउडर। उसके बाद में उसमें डालने वाली हूँ ये पाव भाजी का मसाला। तो ये पाव भाजी का मसाला ये सब्जी में जरूर डालना उसकी वजह से भी सब्जी का टेस्ट दुगना हो जाता है। तो 1/2 स्पून जितना मैंने डाला है पाव भाजी का मसाला। तो लीजिए हमारी ये गर्मा गर्म हमारी ये पूरे लहसुन की सब्जी खाने के लिए हमारी रेडी है। तो ये सब्जी है वो 4 लोगों आराम से खा सकते हैं। बड़े 4 लोग बच्चे लोग तो वैसे ये नहीं खा पाएंगे। तो बड़े 4 लोग आराम से ये सब्जी को खा सकते हैं। तो लीजिए हमारी ये लाजवाब हमारी गर्मा गर्म हमारी लहसुन की सब्जी बनके तैयार है। तो ये सब्जी हम एक डिश में सर्व करेंगे। उसके बाद में आपको बताऊंगी कि ये सब्जी कैसे खाई जाती है। तो आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। एंड ये रेसिपी को आप अपने फ्रेंड फैमिली के साथ आप जरूर शेयर कर सकते हैं। एंड आज से मेरी दूसरी चैनल भी बनाई है उसका वीडियो भी आज जरूर आने वाला है। तो वो भी आप जरूर देख सकते है संगीताज वर्ल्ड हेयर स्टाइल करके दूसरी मेरी चैनल है हेयर स्टाइल की। उसमें आपको नया नया वीडियो हेयर स्टाइल का देखने को मिलेगा। तो वो भी आपको पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। तो यहाँ पे मैं एक डिश में थोड़ी सी आपको दिखाने के लिए सब्जी डाल रही हूँ कि कैसे खाई जाती है। तो ये
सब्जी के साथ मैंने बनाया था बाजरी का रोटला, तो ये बाजरी का रोटला के साथ में सर्व कर रही हूँ। बाजरी का रोटला के साथ में आपको दिखा रही हूँ। आपको प्रश्न होगा कि ये लहसुन के छिलके हैं वो कैसे निकलेंगे, तो ये खाने के टाइम ये लहसुन के छिलके हैं वो इस तरह से निकालते जाएंगे, तो ये इजी से छिलके हैं वो निकल जाता है। छिलके नहीं खाना है, सिर्फ ये लहसुन की कली को ही खाना है। तो बस इस तरह से लहसुन की कली को निकाल देना है और ये जो लहसुन का जो छिलका है वो निकाल देना है। तो बस ये सब्जी खाने में बहुत टेस्टी लगेगी और ये सब्जी में ज़्यादा ग्रेवी रखे तो ये रोटला के साथ ही बहुत अच्छी लगेगी। तो चलिए फिर मिलते हैं मेरी एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड मेरी नई चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।